नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। घरौंदा रेस्ट हाउस स्थित एक पुलिस डीएसपी कार्यालय के सामने मलिकपुर जाने वाली सड़क पर स्थित एक डेरे के अंदर अज्ञात चोरों ने मचाया तांडव। जी हां, चोरों ने डेरे में खूब उत्पात मचाया और निरीह पशुओं को उतारा मौत के घाट। घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद में पुलिस एवं FSL की टीम मौके पर पहुंची और लिया स्थिति का जायजा। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा हुआ है। बार बार हो रही और इन घटनाओं से लोग दहशत में हैं। वार्ड नंबर 17 घड़ौंदा निवासी सुल्तान ने बताया कि उनका डेरा मलिकपुर गाँव को जा रही सड़क के पास रेलवे फाटक के पास में है। शनिवार को सुबह जब वह अपने डेरे में गया तो डेरे में भयंकर तबाही देखी। उसकी गायें, बछड़ी और कुत्ते सब मौत के घाट उतार दिए गए थे। सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था और बिखरा पड़ा था। लोहे की चारपाई, सिलेंडर, बाल्टी, सिल्वर पतीला, चावल से भरी प्लास्टिक की कैन, छत पर लगा पंखा व अन्य जो भी सामान उनके सामने आया वह ले उड़े। चोरों ने पूरे डेरे पर हाथ साफ कर दिया। सुल्तान ने बताया कि उसने डेरे के चारों तरफ 6-7 फीट की दीवार बनवा रखी है। वह दीवार के चारों तरफ ऊपर की तरफ में 2-3 फीट के कांटों की तारे भी लगा रखी है। डेरे में हर रोज 1-2 आदमी भी रहता है, परंतु किसी कारणवश शुक्रवार की रात को डेरे में कोई नहीं था। अज्ञात चोरों ने कांटेदार तार को काटा व दीवार को फांद करके वे अंदर चले आए। वही घटनास्थल पर शराब की कुछ बोतलें भी मिली हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने शराब पीकर घटना को अंजाम दिया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले मलिकपुर रोड पर ही एक डेरे के अंदर चोरों ने गहने व नकदी चुरा लिए तथा इस घटनाओं से आबादी से दूर डेरों पर रह रहे लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। आप देख रहे हैं पल पल। घरौंडा से अनीश कौशिक की ये रिपोर्ट। जी यहाँ पर ये मेरे नौकर रहते थे, कभी कभी जो है ना जिस दिन पानी का बाहर हो उस दिन आते थे और ये अपना काम यहाँ पर इनका काम करते थे। जी बच्ची मरी हुई है, हाँ, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाते हो? अब ये अंदाजा ये है कि कोई ग्रो होगा जो ये ऐसे कर गया, ऐसे आम आदमी तो कर नहीं सकता। ये क्या नुकसान हुआ इसमें? इसमें एक एक जो बच्ची मरी है जी, सारे सामान, सारा बिजली का जो है ना वो कटआउट थे वो भी तोड़ गए हैं, बाकी का जो है ना एक खाट थी वो भी, लोहे की खाट थी वो भी ले गए हैं, तो पक्का ले गए। ऐसा जी यहाँ उन्होंने तबाही मचाई हुई है, अगर कोई भी आदमी होता यहाँ उसको मार के जाते। उन्होंने बछड़ी को बड़ी निर्दयता से मारा है, कोई भी हिंदू समाज का आदमी ऐसे कोई गैर काम नहीं कर सकता। उन्होंने अंदर जो इनका मटके वगैरह थे, जो इनका गंडासा था, उन्होंने सब तोड़ फोड़ करके कोई ना कोई सामान की उनको इच्छा थी कि सामान अंदर मिले, परंतु उनको सामान ऐसा नहीं मिला जिसकी उनको आशा थी, जो उनको उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने तोड़ फोड़ इतनी भयंकर तरीके से की है जिसका कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यही लगता है जी, पुलिस का कोई डर नहीं है। 100 नंबर पे फोन मिलाते हैं जी, फोन नहीं मिलता, क्या करें? बार बार ट्राई करते रहे हैं, कई आदमी ट्राई करते रहे हैं, परंतु वो फोन नहीं मिला। हम बताओ हम इस बारे में कहाँ जाएं? हमारे को बताएं प्रशासन क्या हम क्या करें। पहले हमारे डेरे पे पिछले महीने ही चोरी हुई है, ये सिर्फ यहाँ से चंद किले, 2 किले पड़ता है जी। वारदात करने वाले पता नहीं कैसे एकदम से आए हैं, और उन्होंने घर के आदमियों का भी भय नहीं माना जो कि अंदर घुसे हैं, ग्रिल तोड़ के और दरवाजे अंदर से बंद करके सोना ले गए, 56 तोले सोना ले गए, और अब ये दूसरी वारदात हमारे यहाँ है। तारीख की है और आज देख लो, आज चार तारीख है, और हमारे को अभी तक किसी भी आदमी का कोई सुराग नहीं मिला, ना ही कोई आगे कोई सिस्टम हमको नजर आ रहा है।